वेलकम टू द शो दैट्स फुल ऑफ स्टाइल। रेसिपीज में तो हमारा स्टाइल चलता ही रहेगा, लेकिन टुडे आई हैव अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा स्टाइल फॉर यू स्ट्रेट फ्रॉम द किचन्स ऑफ अहमदाबाद। शेफ प्रणव जोशी, केम छो? हाय शेफ, एकदम मजा में। वेरी वेल, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आपको पता ही होगा ये यहाँ पर दूसरा शो भी कर रहे हैं, बजट किचन, वो जरूर देखिएगा। मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ बता देना यार। बिल्कुल, बजट वजट। श्योर, वेरी गुड, एनी टाइम। शेफ आज क्या बना रहे हैं? आज एक हल्का फुल्का विल मेक अ स्टार्टर विच इज सियर्ड लेमन ग्रास एंड पापरिका प्रॉन्स। इसके साथ हम यूज करने वाले एक हर्ब जिसका नाम है लेमन ग्रास। बहुतों को तो ये चाय के साथ भी बहुत पसंद है। मार्केट में जब आप हरी चाय वाली पत्ती लेके आते हो तो वो यही लेमन ग्रास है। बहुत बहुत सिंपल, आसान। करेक्ट। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हल्का सा बटर लेना है हमें। बटर में प्रॉन्स को सॉटे करना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मक्खन को जलाना नहीं है हमने। इसमें डाल रहा हूँ मैं, थैंक यू, चॉप्ड गार्लिक डाल रहा हूँ। अक्सर ऐसे हुआ करता है जब हम किचन्स में काम करते रहो तो मदद बहुत होती है लोगों की, और इसी के बहाने तो हम इतना अच्छा खाना बना पाते हैं आपके लिए। ये मैं इसमें पापरिका फ्लेक्स डाल रहा हूँ, चिली फ्लेक्स, और हल्का सा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत कड़वा रहता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो गई तो बहुत ही कड़वापन आ जाता है इसमें। शेफ, आपको पता है कि लेमन ग्रास को हिंदी में क्या कहा जाता है? नहीं तो? उसको गुचला बोला जाता है। कुचला? गुचला। ओह गॉड, ओह, आई नेवर न्यू दैट। वो बोलते हैं ना, हर रोज कोई नई चीज सीखते हैं। सही बात। मैंने आप एक चीज सीखा। अरे लवली, फैंटास्टिक। चलिए इसमें हम प्रॉन्स डाल देते हैं। ये हमारा गार्लिक, पापरिका और लेमन ग्रास सॉटे हो चुका है, और इसको हम प्रॉन्स डाल के थोड़ा पका देते हैं। हल्का सा नमक डालना है इसमें। सी फूड का प्रॉब्लम शेफ यही होता है कि अगर अंडर कुक हो जाए तो भी प्रॉब्लम, तो भी प्रॉब्लम है। ज्यादा कुक हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू शेफ। मेरे लिए एक थोड़ी सी लेके आओ बॉटल। सुबह सुबह डाल दूं? डाल दो। थोड़ा सा टच करना है लेमन जूस के साथ, बहुत हल्के से पकाना है इसको। और थोड़ी सी व्हाइट वाइन डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा फ्लेवर के लिए। बिना व्हाइट वाइन के भी ये बहुत अच्छी तरह बन सकता है। हल्के से रिड्यूस कर देंगे और एक ही मिनट के बाद इसको क्रीम से फिनिश करना है हमने। चलिए हम इसकी प्लेटिंग अभी शुरुआत कर देते हैं। को इसी चम्मच में सर्व कर देंगे। थैंक यू। इनको प्रॉन्स को चम्मच में डालना है हमने। शेफ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। आई थिंक कोई भी घर पे ये ट्राई कर सकता है, और आई एम श्योर वेरी वेरी इजीली। या करेक्ट, सो नो वन कैन गो रॉन्ग। ये प्लेटिंग में इसको हम अब हल्का सा गार्निश करेंगे पार्सली से। फ्रेश पार्सली, कर्ली, नाइस क्रिस्प क्रंची। आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, पर फिर भी एक टिप अगर आपकी इजाजत हो तो दे देता हूँ। गार्निशिंग हमेशा वही करना चाहिए जो आप खा सके, नहीं कि काफी टाइम पे घर पे गार्निशिंग ऐसी ऐसी होती है, नींबू के फूल आ जाते हैं ऊपर कभी कभी और बोलते हैं खाओ खाओ। तो आई थिंक वही आपको यूज करना चाहिए जो आप खा सके। तैयार हो गई है अपनी ये डिश, जो मेरे को लगता है आप खत्म कर देने वाले हो। बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आज के शो में बहुत मजा आया। मिलते हैं मेरे शो में, बजट किचन में। भाई कहाँ भाग रहे हो? मस्तीखोर मेरा भी शेयर खा जाएगा, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। आप देख लीजिए क्विक रिकैप।
सियर्ड लेमन ग्रास एंड पैप्रिका प्रॉन्स बनाने के लिए एक पैन में एक छोटा चम्मच मक्खन गरम कर इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच कटी लेमन ग्रास डालकर लगभग 2 मिनट के लिए सौटे कर लें। अब इसमें 6 शेल्ड और डीवेन्ड प्रॉन्स डालकर और 2 मिनट पकाएं। स्वाद अनुसार नमक, इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, 30 ml व्हाइट वाइन, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डालें और 2 मिनट पकाएं। प्रॉन्स को चाइनीज स्पून में डाल 6 स्प्रिग्स पार्सले से गार्निश करके सर्व करें।